हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू मस्ट बी थिंकिंग मैं लेटली लेटली क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली आई थॉट ऑफ मेकिंग अ ब्लॉग ऑन माय डे टुडे। सो इट्स वेडनेसडे मॉर्निंग, शायद कल तक ये अपलोड हो जाएगा। सो इट विल बी थर्सडे। आई डू हैव टू अटेंड एन ऑडिशन टुडे, एन ऑडिशन फॉर अ शॉर्ट मूवी। So, देखता हूँ कैसा जाता है। सो आई थॉट टू मेक अ व्लॉग ऑन दिस। और मैं बस अभी उठूँगा, 11 बजे का टाइम है। दीदी किचन में काम कर रही है, सो ये आवाज़ें वहीं से आ रही होंगी। एंड विश योर लक गाइस। ओके, सो सी यू इन अ बाय। सो गाइस, मेरे पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि अब से मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूँगा, और कि लास्ट वाला ब्लॉग मेरा लक्ष्मी पूजा के ऊपर था अगरतला में। और सो आई गॉट बैक टू दिल्ली, और एज यू ऑल नो कि मेरे मॉम डैड जो है वो अगरतला में ही रहते हैं। मेरी नानी की भी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, सो दे आर स्टेइंग ओवर देयर इटसेल्फ। सो मैं आ गया वापस से, काम जॉइन कर लिया, वर्क जॉइन कर लिया, और आज एक ऑडिशन है। जैसे मैंने उठते ही बोला, तो जैसे आई हैव टेकन अ डे लीव फ्रॉम माय वर्क, दातुन कर रहा हूँ अभी। फिर रेडी होते हुए भी रेडी होके निकलना है, ऑलमोस्ट अराउंड 10 बजे के अराउंड निकल जाऊँगा मैं। सो या देखते हाउ द डे रैप्स अप, एंड आई विल बी लाइक डूइंग दिस व्लॉग फॉर द एंटायर डे। लेट्स सी। Hey guys, so मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है, सो अभी आई विल बी मेकिंग माई ब्रेकफास्ट। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना है मेरे को। आई विल बी मेकिंग पॉरिज फॉर माई सेल्फ, पॉरिज। सो आई विल शो यू हाउ आई मेक इट। ओके, सो आई हैव टेकन एग्स। ओके, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पॉरिज रेडी है, बन गया है। उसके ऊपर थोड़ा सा हनी डाल के बस, और मैं अभी बना रहा हूँ अपनी कॉफ़ी। सो पॉरिज एंड कॉफ़ी, मैं सुबह बुलेट प्रूफ कॉफ़ी लेता हूँ। सो उसका इंटायर इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे बहुत पहले डाल दिया था, और उस पर एक मैं डिटेल ब्लॉग बनाऊंगा वेरी सून। सो आज मैं सारा कुछ डिटेल आपको नहीं दिखाऊंगा इसमें, क्योंकि मैं अभी जल्दबाजी में हूँ। और सो यस, माई ब्रेकफास्ट विल बी पॉरिज एंड कॉफ़ी। So guys, I'm done with my shower and stuff, and abhi I need to get ready. So quickly main aap logo ko dikha deta hu main kya pehne wala hu. So this is the jeans which I'm going to wear, as this is a fun shoot, so casual wear mein jana hai. Aur this jeans my father gifted it to me on this Durga Puja, choose to maine kiya tha to. And I shall be teaming this t-shirt with this jeans, so this t-shirt. Okay, so yeah, I hope this shall be fine. और auditions में एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि wear something which you are very much comfortable in, because आपको पता नहीं है कि आपको क्या रोल दिया जाएगा। So comfort बहुत ज्यादा matter करता है, along with the style of course, but comfort बहुत ज्यादा matter करता है। Okay, so yeah, shall see ya। मैं अभी makeup and hair करना है मेरे को, फिर ready होके दिखाता हूँ मैं आपको। Guys, I got ready and boarded the cab. तो मुझे साउथ दिल्ली जाना है। एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं बता नहीं सकता अभी, पर ऑडिशन साउथ दिल्ली में होने हैं। तो यस, आई बोर्ड द कैब एंड ऑन द वे। जितना हो सके उतना आपको मैं दिखा दूंगा, अंदर अलाउड हुआ तो, और नहीं तो आई विल ब्रीफ यू अप। ओके, सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ये गुस्सा नहीं है आगे,
तुम्हें सीने में चल रही है सालों से, तुम्हें तुम्हें पता भी है करोड़ों मासूमों की जान ले चुके हैं ये लोग, करोड़ों मासूमों के 26/11 9/11 बॉम ब्लास्ट चल रहा था, नहीं भाई जान क्या कुछ नहीं करते ये लोग, जो पता नहीं है वो बोलना मत, तुम्हें पता है जो लास्ट अटैक हुए थे करोड़ों मासूमों से मेरे पापा भी थे, सिर्फ 15 साल के बच्चे ने मेरे पापा को यहां पे गोली मार के उनकी जान ले ली है, उसके बाद भी कह रहा शांत रहूं और सबको सबको इक्वली दिखू, शुक्ला भैया सही कह रहे थे ऐसे लोगों को तो जेल से बचा लेना चाहिए, साले किसी काम के है ही नहीं। I just now got back to home after the auditions. It went off really, really well. Initially, मुझे वो location ढूंढने में थोड़ा सा issue मैंने face किया because वो काफी गलियों के अंदर था. But the people were really good. Actually, I auditioned for a short film, probably a web series. So, तो जो role था मेरा वो था काफी aggressive एक बंदे का जो कि to be honest anti-Muslims है और वो क्योंकि he suffered losses in his family due to terrorism and stuff. Mind-washed guy. So, uska frustration dikhana tha mujhe, uska aggression dikhana tha. So, the sole thing they were concerned about was aggression. So, maine to apna 100% diya, koshish kiya for that matter. Aur main audition pura is video mein dal dunga. Clip, aap logo ko kaisa laga? Let me know in the comment section below. Aur baaki call aata hai ki nahi call aata hai, I don't know. I am just hoping for the best. Aur लोगों को तो बहुत पसंद आया वहाँ पे जितने भी लोग थे और तारीफ भी मिली मुझे काफ़ी, सो लेट्स सी कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, कुछ होता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, कोई गुड न्यूज़ आती है तो ज़रूर बताऊँगा और बाकी बस इट वाज फन एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर दैट मैटर और मैं ऐसे खुश हो जाता हूँ छोटी छोटी चीज़ें करके, मैं ऑलवेज खुश हो जाता हूँ और एक्टिंग हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ माई लॉन्ग टर्म पैशंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिंग स्पेशली all this mar दंगा फसाद वाला और टीवी के आगे खड़े होके और ये सब, तो वो मैं काफ़ी करता था बचपन में, सो एनी वे और पीपल वर गुड ओवर देयर, सो या एज आई हैव सेड कुछ होता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा और मीन वाइल आज रात को शायद ये मैं व्लॉग अपलोड करूँगा, सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और सब्सक्रिप्शन का लोगो यहीं पे कहीं होगा एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो एज आई ऑलवेज से प्लीज़ हेल्प मी ग्रो और बस आप ही लोगों का भरोसा है तो सो डेली व्लॉग्स अपलोड करने के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपसे, क्योंकि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बोला था कि मैं अब से रेगुलर हो जाऊंगा, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई और बस आप लोगों का सहारा रहे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, सो एज आई ऑलवेज से प्लीज हेल्प मी ग्रो एंड डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, बाय बाय।